आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि यदि समीकरण 4x की घात 2 माइनस 15 गुणा x प्लस 4p बराबर 0 का एक मूल अन्य मूल का वर्ग है तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर p का मान बताना है। तो चलिए देखते क्या करेंगे। आसान सा सवाल है, हमें प्रश्न में दे रखा है कि 4x की घात 2 माइनस 15x प्लस का 4p बराबर 0 और इसका एक मूल जो है वो अन्य मूल का वर्ग है। तो हमने क्या मान लिया, अगर एक मूल इसका अल्फा होगा तो दूसरा मूल इसका अन्य मूल का वर्ग मतलब अल्फा का वर्ग। तो देखिए, अब अगर हम मूलों का योग लिखेंगे यहाँ से तो अल्फा प्लस अल्फा की घात 2 क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए मतलब 15/4 और अल्फा गुणे अल्फा की घात 2 सी बटा ए मतलब 4p/4 चार से चार कट जाएगा तो अल्फा क्यूब का मान क्या आ जाएगा यहाँ से पी। देखिए इसको 4 को अगर इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, 4α² प्लस का 4α और 15 इधर माइनस मिले आते हैं। तो देखिए ये अल्फा में दो घात समीकरण बन गया हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 4α² और ये देखिए 15 × 60 तो 10 × 6 = 60, 10α माइनस 6α माइनस 15 = 0। यहाँ से देखिए 2α कॉमन आ जाएगा हमारा, अंदर क्या बचेगा 2α + 5 और यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर भी जाएगा 2α + 5 = 0। एक कोष्टक में हमारे पास आ गया 2α - 3, एक कोष्टक में आ गया 2α + 5 = 0। जब हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक बार हमें मिलेगा अल्फा का मान 3/2 और एक बार अल्फा का मान मिलेगा माइनस का 5/2 और पी का मान हमारा किसके बराबर है, अल्फा की घात 3 के। तो पी के यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ जाएंगे, अगर ये रखेंगे तो 3 × 9 = 27/2 का क्यूब करेंगे तो 8 और यहाँ पे जब पी बराबर -5/2 रखेंगे तो -5 का घन करेंगे तो माइनस का 125 और 2 का घन कितना जाएगा 8। तो ये 2 मान हमारे पी के, यही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।